हेलो फ्रेंड, मैं जी डीएम में कैसे विड्रॉल करोगे इस प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा, और कैसे आप लोग KYC कंप्लीट करोगे, बैंक डिटेल्स फिल करोगी, और उसके बाद आपका जो डाइट में एक डाइट लगाओगी तभी आप वहाँ से आप रिडीम कर पाओगे, ठीक है। तो उसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड कहाँ से मिलेगा इसका बारे में वीडियो को अंत तक देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं मेजिक डीएम को लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैं लॉगिन कर रहा था, उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का नंबर आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी का नंबर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको एक पिन आपको डायरेक्ट लेना होगा, ठीक है, उसी से। उसके बाद आपको यहाँ से आप एक डायरेक्ट करोगी तभी आपको टीम रॉयल्टी इनकम आपको मिलेगा, ठीक है। फिर तो जैसे कि मेरा टीम रॉयल्टी इनकम यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि मैंने डाइट में एक डाइट लगा दिया, इसलिए यहाँ पर पेड कर दिया, इसलिए ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैसे डाइट में एक बंदे को जोड़ना है उसका वीडियो यहाँ पर देखना है एंड तक, ठीक है, वीडियो देखिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए माई अकाउंट, उसके बाद ई पिन हिस्ट्री पर जाकर चेक कर पाओगे आपका पिन आया कि नहीं, ठीक है। फिर इस पर जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए आईडी एक्टिवेशन क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से आईडी एक्टिवेशन करना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने नंबर डाल दिया, उसके बाद पिन यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर, एक्टिवेशन पर क्लिक कर दिया, ठीक है, अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर आईडी अपडेट हो जाने के बाद आपको बैक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल्स है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्लिक कीजिए, इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड चॉइस करना होगा, आपका जो पासवर्ड डालना चाहते हो वहाँ पर अपडेट कर दीजिए। उसके बाद बैंक डिटेल्स, आपको बैंक डिटेल्स फिल करना होगा, आप पेटीएम बैंक डाल सकते हो, नहीं तो SBI, उसके और भी बैंक आपके पास है तो यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर पेटीएम बैंक डाल दिया, उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, अपडेट पर। उसके बाद आगे के प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेज ओपन होगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपका मिनिमम 300 रुपीस होगा तभी आप यहाँ से रिडीम कर पाओगे। तो सबसे पहले रिडीम कैसे करना है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए विड्रॉल का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको विड्रॉल मेनू वाली पर क्लिक करना, ठीक है। अभी ऑटो पर नहीं दे रहा, MPS सिस्टम ऑफ है, ठीक है। तो कंपनी ने बोल दिया था यहाँ पर मेनू वाली पर करो, ठीक है, आपको पैसा मिल जाएगी। तो कितने घंटे के बाद पैसा आता है मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं 300 रुपीज़ से 400 रुपीज़ लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा कि नहीं, ड्राइवर ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो यहाँ पर दिया था उसको डाल दीजिए और विड्रॉल पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर बोल रहा है मिनिमम में आपको यहाँ पर देख सकते हो, मैक्सिमम मल्टीपल आपको 100 रुपीज़ करके 100, 200, 300, 400 करके यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो 400 रुपीज़ डाल दिया, उसके बाद विड्रॉल ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्वीट ऑप्शन आ चुका है, मेरा विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है, सबमिटेड। तो यहाँ पर मैनुअली मैंने विड्रॉल कर लिया, ठीक है। अभी पैसा कितने घंटे के बाद मेरा अकाउंट पर आता है इस वीडियो में देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाइए। कंपनी IMPS बोला था अब कितने देर में आता है पैसा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे बैलेंस 55 रुपीज़ शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री पर जाकर चेक कर पाओगे, यहाँ पर देखिए पेंडिंग अभी भी शो कर रहा है। और चार्ज यहाँ पर देख लीजिए फैन, 400 रुपीज़ का मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट लगाया, यहाँ पर 60 रुपीज़ चार्ज और काट लिया, ठीक है। उसके बाद पेमेंट जब आएगी उसके बाद कितना देर से आता है और कितना पैसा चार्ज कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फिर मेरा पेमेंट आ चुका है। तो उसके बाद मैं आपको जाके दिखा देता हूँ हिस्ट्री पर, सबसे पहले हिस्ट्री पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने विड्रॉल किया था 10 बजे, अभी यह हो चुका है 1 PM, यहाँ पर देख सकते हो फिर तीन घंटा आसपास हो चुका है। यहाँ पर देखिए पेमेंट ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पेटीएम पर जाकर चेक करके दिखा देता हूँ चार्ज कितना रुपीज़ काटा है। यहाँ पर देखिए खुद मनी रिसीव 333 रुपीज़, मैंने 400 रुपीज़ का किया था, ठीक है फिर। तो इतना सारा चार्ज काट लिया फ्रेंड, ठीक है, 3 घंटे के बाद पैसा रिसीव हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो को अच्छा लगा, कैसे लगा इस वीडियो में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो ज्वाइन बनना, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर रखना, ठीक है, और भी अपडेट आएगी टेली उसके प्लेन के बारे में, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।